हे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले की वीडियो में हमने डेफिनेशन, नेचर एंड फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं और उनका बिजनेस में क्या रोल होता है। आइए देखते हैं, ये टोटल 10 टाइप के पार्टनर्स को हमने यहाँ पर डील किया हुआ है। फर्स्ट है एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर, सेकेंड डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर, थर्ड नॉमिनल पार्टनर, फोर्थ पार्टनर बाय स्टॉपर और इसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं, फिफ्थ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सिक्स माइनर पार्टनर्स, सेवन सीक्रेट पार्टनर्स, एट लिमिटेड पार्टनर्स एंड नाइन सब पार्टनर्स, टेन आउटगोइंग पार्टनर्स। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर्स। एज नेम सजेस्ट कि ये बिजनेस में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टनर्स हु इन्वेस्ट कैपिटल इन टू द बिजनेस, ही टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, ही कैरीज बिजनेस ऑन डेली बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। एज यू नो दैट पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, और ये पार्टनर फर्म के लिए भी लाइबल होता है, फर्म पार्टनर के लिए लाइबल होती है, और पार्टनर्स एक दूसरे के लिए भी लाइबल होते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर्स को ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं, क्योंकि होल एंड सोल बिजनेस ये चला रहे होते हैं। जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उनका पब्लिक नोटिस देना भी बहुत मैंडेटरी हो जाता है। When an active partner wishes to retire from the firm, he must give a public notice about the same. This will absolve him of an act done by other partner after his retirement. Unless he give a public notice, he will be liable for all act even after his retirement. As you know that, अगर वो public notice नहीं देंगे तो retirement के बाद भी वो उस work के लिए liable होंगे, यानी firm के लिए liable रहेंगे किसी debt को लेकर। Next हम देखते हैं dormant partner और sleeping partners. He invests a capital into the business but does not take active participation in the management. He does not take active part in the daily activities of the firm but is bound by the act of all other partner. If a dormant partner retires, he need not to give a public notice of the same. Sleeping partner अपने आप में बता रहा है कि इनको active participation में कोई interest नहीं है। ये सिर्फ business में पैसा invest करने के बाद भूल जाते हैं और सब कुछ बाकी partners पे छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, ये प्रॉफिट शेयर करते हैं, लेकिन इनको रिटायरमेंट के लिए इनको पब्लिक नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर एक तरह के नाम मात्र पार्टनर होते हैं। अ नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल इनटू द बिजनेस, सो ही विल नॉट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। सच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट ओनली बाई अलाउिंग हिज नेम टू यूज फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बिजनेस, मीन्स ओनली लेंडिंग हिज नेम टू इंक्रीज द गुडविल। इनका नाम सिर्फ फर्म की गुडविल बढ़ाने के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि ये किसी भी तरीके से पार्टनर के रोल मॉडल में नहीं होते हैं, मगर इनका नाम यूज़ किया जाता है बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए। बट द नॉमिनल पार्टनर विल बी लाइबल टू द आउटसाइडर एंड थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट डन बाई एनी अदर पार्टनर। भले ही नॉमिनल पार्टनर है, भले ही इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किए, फिर भी ये थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी ये जान रहा है कि ये इस फर्म के पार्टनर है, उसे ये बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक नॉमिनल पार्टनर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनर बाय स्टॉपिल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये पार्टनर बाय स्टॉपिल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? जब कोई पार्टनर ये प्रटेंड करता है कि आई एम अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म, बल्कि उस फर्म की तरफ से कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं की गई है कि ये हमारे फर्म का पार्टनर है, बट यू आर प्रटेंडिंग टू द थर्ड पर्सन कि आई एम अ पार्टनर ऑफ दिस, तो बाद में आप मुकर नहीं सकते अगर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, पार्टनर बाय स्टॉपिल इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट बाय हिज वर्ड एंड कंडक्ट ही लीड्स द आउटसाइडर टू बिलीव दैट ही इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म। मीन्स that even though such a person is not a partner, he has represented himself as a partner and so he becomes partner by stoppel or partner by holding out. Such partner is liable for any consequences arise due to the representation. आपके ऐसा partner pretend करने की वजह से जो भी consequences होती है उसके लिए आप liable होंगे, उसके लिए आप responsible होंगे। Next हमारा आता है partner in profits only. अब कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के मोटिव से ही एड ऑन किए जाते हैं किसी फर्म में। अ पार्टनर हु शेयर्स प्रॉफिट ओनली बट डज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉसेस एंड लाइबिलिटीज, सच पार्टनर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। व्हेन डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज ही विल बी लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। थर्ड पार्टी से डीलिंग में जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके लिए तो ये लेने के लिए तैयार है, मगर उससे आने वाली किसी भी लाइबिलिटी के लिए ये कैपेबल नहीं होते हैं। Such kind of partners are associated with the firm for their goodwill and the money.
क्योंकि ये जो पार्टनर होते हैं प्रॉफिट ओनली वाले, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कैपिटल, तो ये बिजनेस के लिए तो प्रॉफिटेबल है कि हाँ ठीक है इन्होंने पैसे लगाए हैं और इसलिए हम उनको प्रॉफिट भी दे दे रहे हैं, बट ये लॉस को बेयर करने के कैपेबल नहीं होते। ऐसा जनरली माइनर पार्टनर्स में होता है। माइनर जो होते हैं उनको लॉ ने एक्सेप्ट कर रखा है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं, मगर वो लॉस बियर करने के लिए वो तैयार नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट मच कैपेबल, इसलिए वो ऐसे पार्टनर्स होते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की भी कैटेगरी सिर्फ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बताने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। माइनर पार्टनर अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर कैन बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 में इसको डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। जो 18 साल से कम के उम्र का है वो माइनर है। जनरली अ माइनर कैन नॉट बी लाइबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एज अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ पार्टनर रिलेशन इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, बट हियर अ माइनर कैन बी अलाउड एज अ पार्टनर बिकॉज ही कैन ओनली बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग नॉट फॉर द लाइबिलिटी। जनरली इस पार्टनरशिप और पार्टनर का जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है और एक माइनर कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के लिए, फिर भी यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट ने इसे अलाउ कर रखा है, वो पार्टनर बन सकता है मगर उस पर हम कोई लाइबिलिटी नहीं डालेंगे, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कैपेबल होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें कैपिटल लगा सकता है उसमें, और वहाँ से सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो कोई लॉस बियर नहीं करेगा। इसके अगला प्रोविजन ये है, ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ कैपिटल इन टू पार्टनरशिप फर्म। जैसा मैंने बताया द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म बट इज शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी लाइबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। ये माइनर कोई गलती करेगा तो वो पर्सनली लाइबल नहीं है, फिजिकली लाइबल नहीं है, मगर उसकी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड है वो प्रॉपरली लाइबल है फर्म के किसी भी आने वाली लाइबिलिटी या डेब्ट के लिए। और जैसे ही माइनर मेजर हो जाता है, 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तुरंत ही वो एक प्रॉपर पार्टनर बनने के लिए कैपेबल हो जाता है और फिर वो सारे लॉसेस को भी बाद में बियर करेगा। उसका जो लीगल प्रोविजन वो ये है, विद इन अ 6 month ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस टू द फर्म फॉर इलेक्शन ऑफ कंटिन्यूइंग एज एन पार्टनर और विदड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनरशिप। यानी जब आप 18 साल के हो जाते हो उसके 6 महीने के अंदर आप जिस भी फर्म में पार्टनर हो आपको बताना होता है कि क्या आप आगे कंटिन्यू करोगे एज एन पार्टनर या आप विड्रॉ कर रहे हो कि नहीं अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे एज एन पार्टनर। तो ये चीज़ की नोटिस आपको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी 6 महीनों के अंदर, और अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो आपको ये माना जाएगा कि यू आर कंटिन्यू टू बी एज एन पार्टनर मान लिया जाएगा फॉर फ्यूचर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सब के लिए, उन सब की लाइबिलिटीज़ के लिए भी। अब आ जाता है सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर कौन होते हैं? अ सीक्रेट पार्टनर इज केप्ट सीक्रेट फॉर द आउटसाइडर एंड द थर्ड पार्टीज। जैसा कि नाम बता ही रहा है कि उनको नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नॉमिनल पार्टनर क्या था? उसका नेम ही डिस्क्लोज किया जा रहा था, उसका नाम एसोसिएट किया जा रहा था फर्म से, बट सीक्रेट पार्टनर के साथ उल्टा है, इनका नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन टू द बिजनेस ऑल्सो टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। यानी कि ये पैसा लगाएंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे अच्छे से, बस इनका नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। अ सीक्रेट पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिंस ही होल्ड्स अ शेयर इन प्रॉफिट एंड शेयर लाइबिलिटीज फॉर द लॉसेज इन द बिजनेस। ये बाकी पार्टनर जैसा सारा काम करेंगे, बस इनका नाम डिस्क्लोज मत करो। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर्स। अब ये लिमिटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं? अ लिमिटेड पार्टनर इज अ पार्टनर हुज लाइबिलिटी इज ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वेरी सिंपल, जितना इन्होंने कैपिटल लगाया उतने की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उससे ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने के लिए ये रेडी नहीं है। नेक्स्ट है सब पार्टनर्स। देखो सब पार्टनर्स, जैसे हम लोग सब एजेंट सुने होंगे वैसे ही सब पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर जब किसी और पार्टनर को अपने अंदर ले लेता है एज एन पार्टनर, बट वो फर्म से रिलेटेड नहीं होता है, वो पार्टनर के अंदर पार्टनर है। इफ़ अ पार्टनर गिव्स अ पार्टनर पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू द पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड सब पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट जो उस फर्म से आ रहा है प्रॉफिट है उसका कोई पार्ट शेयर करता है किसी और के साथ तो वो सब पार्टनर कहलाता है। ही इज़ नॉट अ पार्टनर टू द फर्म, यानी जो सब पार्टनर है वो फर्म से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है उसका, बट ही ओनली हैव अ रिलेशन विथ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। जो पार्टनर शेयर कर रहा है अपने प्रॉफिट को सिर्फ उससे रिलेशन है, उस फर्म से कोई रिलेशन नहीं उस सब पार्टनर का। ही डज नॉट होल्ड एनी लाइबिलिटी टूवर्ड द फर्म, क्योंकि उसका फर्म से रिलेशन नहीं है तो वो कोई लाइबिलिटी भी होल्ड नहीं करता उस फर्म के टूवर्ड्स। द रिलेशनशिप इज नॉट बिटवीन द सब पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म बट इज बिटवीन हिम एंड द पार्टनर।
जैसा बताया पार्टनरशिप फर्म और सब पार्टनर का रिलेशन नहीं होता, बल्कि उस सब पार्टनर और उस पार्टनर का रिलेशन होता है आपस में, तो वो लाइबल भी पार्टनर के लिए है, फर्म के लिए नहीं। लास्ट है आउटगोइंग पार्टनर्स। आउटगोइंग पार्टनर्स सिंपली इज़ अ पार्टनर हु वॉलंटरली रिटायर्स विदाउट डिजॉल्विंग द फर्म। जो निकल रहा है, फर्म अभी डिजॉल्व नहीं हुई है, वो जाना चाहता है बाहर कि अब वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू मोर। फिर ही विदड्रॉइंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म, देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज एन आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर भी इन्हें कहते हैं। सच पार्टनर इज लाइबल फॉर ऑल हिज डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन इनकर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट। However, he can be held liable for his future obligation if he fails to give a public notice of his retirement from the partnership firm. ऐसे partners सभी debt और obligation के लिए liable होंगे before retirement वाले, लेकिन retirement के बाद के लिए वो liable नहीं होंगे। अगर वो public notice नहीं देते हैं तो वो liable होंगे। I hope आपको समझ आया होगा। Thank you so much.